आज का लेशन दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के ग्रंथ चतुर्दण्य प्रकाशिका पर आधारित है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संगीत के चार स्तंभों का प्रकाशक। यह 17वीं शताब्दी के मध्य संगीतज्ञ वेंकट मखी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भारत की कर्नाटक संगीत परंपरा में रागों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए एक सैद्धांतिक मेलाकारता प्रणाली की शुरुआत की। 20वीं सदी में यह प्रणाली उस थाट प्रणाली का आधार बनी, जिसका उपयोग आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। चतुर्दंडी प्रकाशिका में 10 अध्याय प्रकरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का संबंध वीणा, श्रुति, स्वर, मेल, राग, आलाप, थया, गीत, प्रबंध और ताल से है। इनमें से प्रबंध प्रकरण तथा संपूर्ण ताल प्रकरण के भाग लुप्त हो गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार संपूर्ण राग में 7, षाड़ों में 6, औड़ों राग में 5 स्वर बताए गए हैं। इस ग्रंथ में गणित के आधार पर सप्तक के 12 स्वरों के 72 मेल करता और हर मेल से 484 रागों की उत्पत्ति बताई गई है। प्राचीन रागों को वर्गीकरण के लिए वेंकट मखी ने 19 मेल को ही पर्याप्त माना है। इस ग्रंथ में एक स्थान में 22 श्रुतियों को विभाजित कर प्रत्येक स्वर की अंतिम श्रुति पर सप्तक में 12 स्वरों को रखा गया है, जिसमें 5 विकृत स्वर माने गए हैं। पहला साधारण गांधार, दूसरा अंतर गांधार, तीसरा कराली मध्यम, चौथा कौशिक निषाद, पांचवा काकली निषाद। पंडित वेंकट मखी को दक्षिण भारतीय कर्नाटकी संगीत का पाणिनि भी कहा जाता है। वेंकट मखी को वेंकटेश्वर दीक्षित के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद।